ठीक है ठीक है तो चलो शूट करते ही, निकल दे लेके निकल दे। आपका एक बार फिर से स्वागत है झारखंड वाला ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हनी छुड़ाने, यानी मधुमक्खी का छत्ता। मैंने एक जगह हनी देखा है तो वहीं जाते हैं आज और हनी छुड़ाते हैं। और मैंने देखिए ये टोपी ले लिया और ये जैकेट ताकि मैं पहन लूँ और इससे क्या हो कि मधुमक्खी मुझे काटे नहीं। तो चलिए पहले जगह पर जाते हैं और दिखाते हैं हनी कहाँ पर है। चलिए आपको मैं पहले मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं वहां पे जहां पे हनी लगा हुआ है, यानी मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो इस झाड़ी में आप देख सकते हैं, इस झाड़ी में लगा हुआ है मधुमक्खी का छत्ता। तो इसी से हम छुड़ाते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूं कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा है। आपको मैं बैक कैमरा से अभी दिखाता हूं। और ये आप झाड़ी देख सकते हैं, ये पूरा झाड़ी है, ये इसी में लगा हुआ मधुमक्खी का छत्ता। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। एक बार मैं और आपको करीब देखिए किस तरह मधुमक्खी यहाँ लगे हुए है। तो आपको मैं बाहर जाके दिखाता हूँ कि ये कितना अंदर लगा हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि कितना अंदर झाड़ी में लगा हुआ। तो इसी से हम तो छुड़ाते हैं, चलिए देखते हैं। तो छुड़ाने से पहले मैं कुछ पहन लेता हूँ सामान, जैसे जैकेट पहन लेता हूँ ताकि मधुमक्खी मुझे काटे, मतलब काटे नहीं। इसके लिए पहले मैं एक जैकेट पहन लेता हूँ और जैकेट में अच्छी तरह से लगा लेता हूँ पहले, और ये टोपी पहन लेता हूँ ताकि बाल में ना घुस जाए। मधुमक्खी क्या होता है, बहुत जल्दी बाल में घुस जाते हैं। तो मैं पूरा इसी तरह कवर कर लेता हूँ और हाथ में थोड़ा खाली ओपन रहेगा, यानी खुला रहेगा। बाकी एक कटोरी लाया हूँ जिसमें हम लोग मधुमक्खी का मतलब रस निकालेंगे, यानी हनी। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। पहले क्या करो, पहले साफ कर लेना, है कि नहीं, झाड़िया तोड़ ले। हम काट ले थे तो टॉफी नहीं उड़े। ठीक है साफ करो। मधुमक्खी छत्ता दिख रहा है, ठीक है ठीक है तो चलो शूट करते ही, निकल दे लेके निकल दे। देखिए मैंने छत्ता तो निकाल लिया, पर लग रहा है कि इसमें रस ही नहीं है। और रस है, रस है, करीब से दिखा। ये देखिए इसमें रस है, ऊपर साइड में रस है, बाकी तो छत्ता बाकी साइड में लग रहा है सूख गया। ये कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी पूरा खाली खाली है, इसमें भी कुछ नहीं, ये भी पूरा खाली खाली पड़ा हुआ।
इसमें भी रस भी कुछ नहीं है। ये सब जो रहते हैं पिल्लू हो गया, मतलब कीटाणु जिसको बोलते कीड़े, ये खाइएगा तो आप बीमार हो जाइएगा। देखिए ये वाइट वाइट वाला, वाइट वाइट। और ये रहा हमारा हनी, हनी ज़्यादा बचा हुआ नहीं था, पहले मधुमक्खी ने चूस लिया तो अभी इतना ही हनी बचा हुआ। ये देखिए मक्खी है, मक्खी है, मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये मधुमक्खी है, ये ज़्यादा काटती नहीं, काटती है बट ज़्यादा नहीं काटती जो, लेकिन जो इससे मीडियम वाली मधुमक्खी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा काटती है, इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए तो हमें लकड़ी बिकड़ी जलाना पड़ता, धुआं करना पड़ता। आप देख ही सकते हैं कि रस है क्या, इतना तो निकला नहीं पर इतना तो ज़रूर निकला। चलिए हम लोग साइड में बैठ कर खाते हैं इसको। तो इतना सारा ही मतलब निकला, बाकी सब तो मैंने फेंक दिया, आपने देखा ही था। तो ये हनी देख ही सकते हैं, यही है असली चूरा। लो खाओ, एक एक और भाई है तो ये भी खाएंगे। देख ही सकते हैं हनी ये। तो हमने हनी छुड़ा लिया, तो आप देख ही रहे हैं ये रहा हनी, इतना इतना सा ही निकला, बाकी तो हमने पूरा फेंक दिया क्योंकि मधुमक्खी ने पूरा खा ही लिया था। तो इतना सा ही निकला, तो हम इसे हम खा रहे हैं अभी निकाल के। और अगर किसी को खांसी हुआ हो तो अगर ये हनी अगर ओरिजिनल हनी अगर खा ले तो उसे खांसी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता। मैं भूल गया, ये भाई से मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मतलब मिलाया नहीं। इनका नाम कुलदीप है और ये मेरे गांव के हैं। तो इन्होंने ही दिखाया कि भैया कि वहाँ पे लगा हुआ है मधुमक्खी, तो हमने बोला चलिए एक दिन छुड़ाते हैं। और आज हम लोग को मौका मिला तो आज छुड़ाया गया, बट उतना निकला नहीं जितना चाहिए था, तो इतना ही निकला। हमारे यहाँ ठंडा झारखंड में आपको पता होगा कि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो सब यहाँ ठंडे में अधिकतर क्या होते हैं, सांवले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। हम लोग ने हनी खा लिया, यानी थोड़ा सा ही था हनी मधुमक्खी ने, क्योंकि पूरा हनी उसमें से चूस लिया था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, हम लोग को देखने में लेट हो गया। अगर पहले छुड़ाया रहता तो हो सकता था ज़्यादा मिलता। तो इस वीडियो में इतना ही था, वो गाँव की लाइफस्टाइल और गाँव से रिलेटेड आपको वीडियो अच्छा लगता है देखने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।